दोस्तों, आज मैं शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ बहुत ही अनोखी, आसान और बिल्कुल अलग तरह की बैंगन की सब्जी की रेसिपी, जो आज से पहले कभी नहीं बनाया होगा। बैंगन की बिल्कुल नई रेसिपी है ये सब्जी। बड़ों से लेके बच्चों तक को बहुत पसंद आएगी। जो बैंगन नहीं खाते हैं वो भी खाना स्टार्ट कर देंगे, मेरी गारंटी है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं इस रेसिपी को। बैंगन की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पे 250 ग्राम बैंगन ली हूँ। बैंगन को अच्छे से धो के साफ़ कर ली हूँ। आप लंबे बैंगन की जगह आप गोल बैंगन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या करना है, बैंगन के डंठल को काट के हटा देना है, फिर इसे लंबे लंबे पीसेस में काटना है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। तो इसको इसी तरह पतले पतले लंबे लंबे स्लाइस में काट लेना है। तो यहाँ पे देखिए, मैं सारे बैंगन को लंबे लंबे पीसेस में ऐसे काट ली हूँ और यहाँ पे सारे काट के तैयार कर ली हूँ। दूसरी साइड फ्राई पैन रखेंगे, इसी में डालेंगे 1 से 2 चम्मच तेल। तेल गरम होते ही सारे बैंगन के पीसेस को डाल देना है, जितना फ्राई पैन में आ जाए। फ्राई पैन की जगह आप तवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बैंगन को अलट पलट करना है, इसे सॉफ्ट होने तक पका लेना है। और ये बैंगन बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, कोई टाइम नहीं लगता है। तो ये देखिए, यहाँ पे बैंगन अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, अब इसे निकाल लेंगे। तो इसी तरह सारे बैंगन को तल लेना है। तो यहाँ पे मैं सारे बैंगन को तल ली हूँ। दूसरी साइड गैस जला के कढ़ाई रखेंगे और इसी में डालेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने के बाद यहाँ पे मैं डाल दी हूँ जीरा और मेथी, और मैं डाल दी हूँ थोड़ी सी हींग, और इसी में मैं डाल दी हूँ लहसुन, अदरक, ये सारे मसालों को मैं काट के ली हूँ। और यहाँ पे मैं हरी मिर्च डाल दे रही हूँ। अब इन सबको थोड़ी देर भून लेंगे, फिर इसी में बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे। ये 2 मीडियम साइज का प्याज था, इसे मैं बारीक बारीक काट ली हूँ। अब इसको लाइट ब्राउन होने तक भून लेना है। तो यहाँ पे अच्छे से लाइट ब्राउन हो गया है। यहाँ पे 2 मीडियम साइज का टमाटर, इसे भी बारीक काट के डाल देना है और इसे भी भून लेना है। अब इसी में मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे मैं 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डाल दी हूँ, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैं डाल दी हूँ 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसी में डाल देंगे थोड़ा सा पानी, ताकि मसाले जले ना। अब इसे कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे टमाटर सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और ये अच्छे से भून भी गया है। इसी स्टेज पे डालेंगे घर की मलाई। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच घर की मलाई ली हूँ। अब इसे डालेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और इसे थोड़ी देर भून लेंगे। जब इसे अच्छे से भून जाए तो यहाँ पे डालेंगे 2 गिलास पानी और सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने तक पकाएंगे, यानी अच्छी सी एक उबाल आ जाएगा। दूसरी साइड बैंगन को बना के तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले बेसन को तैयार करते हैं। तो बेसन में मैं आमचूर पाउडर, धनिया पाउडर डाल दी हूँ। यहाँ पे मैं डाली हूँ 1 पिंच हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक गाढ़ा सा बैटर बना के तैयार करना है। तो यहाँ पे बेसन का गाढ़ा घोल बना के तैयार कर ली हूँ। अब लेना है जो हमने तल के बैंगन रखे थे वो लेना है और इस तरह सारे पीसेस को रख लेना है और इसी के ऊपर बेसन की कोट लगाएंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। फिर इसे रोल कर लेंगे। तो इसी तरह सारे बैंगन को रोल करके तैयार कर लेना है। तो ये बड़े आराम से रोल हो जाता है, क्योंकि इसे हमने थोड़ी सी सेलो फ्राई कर ली थी। तो इससे बैंगन जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं और ये अच्छे से रोल हो जाता है। तो इसी तरह सारे बना के यहाँ पे मैं तैयार कर ली हूँ। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और इसे थोड़ी देर रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। दूसरी साइड
मसाले को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए मसालों में से अच्छी सी उबाल आ गया है और ये अच्छे से पक गया है। जब बैंगन के पीसेस अच्छे से सेट हो जाए तो इसे ग्रेवी में डाल देना है और इसे कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक पका लेना है ताकि मसाले अच्छे से भीम जाएं। 2 मिनट के बाद ये देखिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब अलग तरह की बैंगन की सब्जी। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है और ये खुलता नहीं है। आप सब एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऊपर से डालेंगे हरी धनिया और इसे सर्व कर लेंगे। तो जब बनाएंगे बैंगन की अलग तरह की रेसिपी तो सब खाते ही रह जाएंगे, उन लोग को पता भी नहीं लगेगा कि ये बैंगन की सब्जी है। वीडियो कैसी लगी आप सब कमेंट में बताइएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।